चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया एक बार उसको छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये हमारा क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर ये हमारे नोड है, हमने ये देख लिया कि अपने डिप्लॉयमेंट के टाइम हम नोड नेम सेलेक्ट कर रहे थे, जो नोड हम लोग सेलेक्ट करते थे उसी नोड में जाके चीज डिप्लॉय होती थी, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम था कि आप एक से ज़्यादा नोड दे नहीं सकते थे। अगर मान लो आपने ये वाला नोड अगर सेलेक्ट कर दिया है तो आपका जो पॉड तो इसी नोड में जाएंगे, और ये नोड अगर डिस्ट्रॉय हो गया या बंद हो गया तो फिर वो पॉड कहीं और शिफ्ट नहीं होते थे, ठीक है, टर्मिनेटिंग स्टेट में आ जाते थे। अगर आप उसको कहीं और शिफ्ट करना चाहते थे तो आपको डिप्लॉयमेंट साइट के अंदर जाकर बताना पड़ता है कि दूसरे नोड का ना। फिर आपने देखा लेबल, लेबल वाला कॉन्सेप्ट अच्छा था जिसमें आप नोड में लेबल डिफाइन कर देते थे, लेबल, ठीक है। आपने ऐसे लेबल दे दिया लाइक टीम इक्वल टू डेव, क्या किया आपने, लेबल दे दिया टीम इक्वल टू डेव। फिर आप डिप्लॉयमेंट करते टाइम आप चाहे वो पॉड के डिप्लॉयमेंट मेथड हो, चाहे रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो, चाहे रेप्लिका सेट हो, उस पे जाके आप डिफाइन करते थे सेलेक्टर, और आप क्या सेलेक्टर में बताते थे कि ऐसे नोड को सेलेक्ट करना जिस नोड में लेबल ये हो। तो मान लो 10 पॉड आ रहे हैं तो 10 में कुछ पॉड इधर आ जाते थे, कुछ पॉड इधर आ जाते थे, और अगर दोनों में कोई नोड अगर करप्ट होता भी है तो उस नोड के पोर्ट, उस नोड के अंदर चलने वाले पोर्ट दूसरे नोड में शिफ्ट हो जाते थे और उसी नोड में शिफ्ट होंगे जिसमें लेबल सेम हो। यहां तक हमने देखा। अब ये जो हम लोग कर रहे थे नोड लेबल, इसका एक ही एजेंडा था कि सेपरेट सेपरेट कैटेगराइज करना, करने के लिए ये दो नोड डेवलपमेंट के हैं तो ये दो नोड प्रोडक्शन के हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जो डेवलपमेंट के पॉड से वो यहाँ आए और प्रोडक्शन के जो पॉड है वो इन दोनों नोड में जाए। तो ये तो आपने सेट कर दिया, बट क्लस्टर में होने वाले कोई और डिप्लॉयमेंट जिसमें ना तो लेबल दिया जा रहा है, ना नोड नेम दिया जा रहा है, ना सेलेक्टर यूज किया जा रहा, तो वैसे पॉड कहाँ जाएंगे? तो वैसे पॉड इन्हीं में कहीं ना कहीं जाके डिप्लॉय होंगे। तो आपका एजेंडा ये था कि यार ये दो नोड सिर्फ डेवलपमेंट के लिए हों, लेकिन कोई फालतू के पॉड, फालतू तो नहीं बोलेंगे, कोई ऐसे पॉड जिनका कोई लेबल नहीं है, जिनका कोई सेलेक्टर डिफाइन नहीं है, वो पॉड भी आके यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग थी वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आप ये चाहते हो कि कोई और भी पॉड इस पे आके डिप्लॉय ना हो, तो उसके लिए फिर आपका टॉपिक आता है क्या, टेंट। टेंट है टोलरेशन, ये आता है, ठीक है। ये टॉपिक में क्या होता है कि आप नोड में टेंट लगा देते हो। जब आप नोड में टेंट लगा देते हो तो जैसे ही आपने नोड में टेंट लगा दिया तो अब इसके अंदर कोई भी पॉड डिप्लॉय नहीं हो सकता, ठीक है। टेंट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। जो टेंट आप लगाते हो वो कितने टाइप के होते हैं? वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नो शेड्यूल, एक होता है नो शेड्यूल और एक होता है नो एग्जीक्यूट, ठीक है। नो शेड्यूल और नो एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? मान लो अगर इसके अंदर 10 पॉड बने हुए हैं, ठीक है, या इसके अंदर 20 पॉड बने हुए हैं। अब आपने क्या किया, आपने इसमें टेंट लगा दिया और टेंट का जो टाइप है नो शेड्यूल किया, इसका मतलब जो करंट पॉड है वो चलते रहेंगे बट कोई नए पॉड यहाँ पे अब शेड्यूल होना बंद हो जाएंगे। नो एग्जीक्यूट का मतलब होता है आपने टेंट लगाया और टेंट का टाइप आपने नो एग्जीक्यूट लिखा, तो नए पॉड तो शेड्यूल होंगे ही नहीं बट जो करंट पॉड चल रहे होंगे वो भी वहां से हट जाएंगे, मतलब कोई भी पॉड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने को नहीं देगा, ठीक है। तो अगर 20 पॉड करंट चल रहे हैं और आपने टेंट का टाइप नो शेड्यूल ना दे के नो एग्जीक्यूट दिया तो जो करंट पॉड इसके अंदर थे वो भी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये कहाँ शिफ्ट होंगे?
तो ये डिपेंड करता है कि ये जो करंट पॉड जो बने थे उसके अंदर कोई लेबल सिलेक्टर डिफाइन था क्या। अगर लेबल सिलेक्टर डिफाइन है, मान लो टीम इज इक्वल टू डेव, तो क्लस्टर के अंदर ढूंढेगा कि ऐसा कौन सा नोड है जिसमें टीम इज इक्वल टू डेव लेबल है, तो ये उस पॉड नोड में जाके पॉड शिफ्ट हो जाएगा। अगर पूरे क्लस्टर के अंदर कोई और ऐसा नहीं मिलता उसे, तो फिर पेंडिंग स्टेज में आ जाए। यहां तक समझ में आ गई? तो आपने क्या किया, टेंट लगा दिया। जब आपने टेंट लगा दिया, ठीक है, तो कोई भी पॉड अब शेड्यूल यहां ना बंद हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अपने डिप्लॉयमेंट के टाइम पर टॉलरेशन डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा, टॉलरेशन डिफाइन करूंगा, और टॉलरेशन में बताऊंगा कि ऐसे टॉलरेशन में जाकर डिफाइन कर देता हूं, ऐसे नोड में जाओ जहां पर टेंट लगा हो और टेंट का टाइप ये हो। तो इससे फिक्स हो जाता है आपका काम। क्या होता है, इससे आपका काम फिक्स हो जाता है कि आपने दो नोड एक सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए आपने रख दिया। तो सिर्फ आप जब डिप्लॉयमेंट, आपके डिप्लॉयमेंट, आपके रेप्लिकेशन कंट्रोल, आपके रेप्लिका सेट के थ्रू बनने वाले पॉड आपने क्या किया, बोला यहां जाने के लिए किसके थ्रू, टॉलरेशन डिफाइन करके। आपको टेंट पता हुआ था और कोई अदर ऐसे पॉड अगर बन रहे तो टेंट की वजह से यहाँ पे वैसे भी नहीं बनेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है, बट ये नो आवाज बहुत एग्जीक्यूट का, धीरे है, आवाज बहुत धीरे है। सर नो एग्जीक्यूट का क्या ही मतलब हुआ? मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग आपने है क्या वो भी सुना, चले जा रहे हैं? नहीं, आपने क्या मुझे सुना? समझ, मुझे तो समझ आ गया सर कि जो एग्जिस्टिंग है वो भी हट जाएंगे और वो दूसरे वाले लेबल वाले इसमें नोड में चले जाएंगे, बट मैं बोल रही हूँ कि इसका कुछ यूज यूज केस बता सकते हैं क्या सर, कि किस केस में नो आप में एग्जीक्यूट किसी यूज को समझ में आया करेंगे? इसका यूज केस, अगर समझ आया तो एक्सप्लेन करें ना सीधा। कोई भी एक्सप्लेन कर दो जिसको अच्छे से समझ में, अगर नहीं आया तो आप बोले नहीं आया किसी को समझ में, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। मुझे भी सब थोड़ा समझ में नहीं आता। और कोई, नील, प्रवीण, असीरुद्दीन, देवी, कृष्णा, नहीं आया? उसका यूज केस समझ नहीं आया, उसका मीनिंग समझ आ गया। तो मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, मैं और किसी को पूछ रहा हूँ कि और किसी को अगर समझ नहीं आया और किसी को अगर समझ आया तो एक्सप्लेन करें। साइलेंट मत रहो, नहीं आया तो बोलो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सर रिपीट कर देना ये। देखो ये इंडिया गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने भी लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स पहले CEA NRC लेके आए थे, ठीक है। इसमें क्या था, इन्होंने क्या बोला, जो नॉन इंडियंस हैं, ठीक है, जो नॉन इंडियंस हैं उनके अगेंस्ट ये दो रूल बना सकते थे। क्या बनाया क्या नहीं बनाया वो छोड़ो, अभी समझने के लिए दो रूल्स बना सकते थे। पहला रूल्स ये बना सकते थे, जितने भी नॉन इंडियंस हैं अब वो रहेंगे बट कोई नए नहीं आएंगे। तो कोई अगर बांग्लादेश से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, आप सब नॉन इंडियन हो बट आप रह सकते हो, बट अब कोई नया नहीं आ सकता। ये हो गया नो शेड्यूल। क्लस्टर के अंदर फालतू, क्लस्टर के अंदर इन नोडों के अंदर, नोड में जो फालतू पॉड चल रहे थे उन्हें हम मारना भी नहीं चाहते, उन्हें हम डेड भी करना नहीं चाहते, उन्हें हम डिलीट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्पस के लिए तो बने होंगे। तो हमने बोला कि जो चल रहे हैं जहां चलने दो, बट आप कोई नए नहीं आएंगे। नो एग्जीक्यूट का मतलब हुआ कि इंडिया के अंदर जो नॉन इंडियंस हैं वो भी अब यहाँ नहीं रहेंगे। नए तो नहीं, नए तो ऐसे भी नहीं आने वाले अब,
बट वो भी अब यहाँ से नहीं रहेंगे, यहाँ से निकल जाओ। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे नोड के अंदर जो पॉड फालतू वाले चल रहे थे, हमने उनको भी ऑर्डर दिया कि आप भी यहाँ नहीं रहोगे। क्यों नहीं रहोगे? हमारा नोड पे लोड बढ़ रहा है। बात आ गई समझ में? कंपनी ने बोला, आपकी कंपनी ने बोला कि हम 1 साल तक कोई भी नए एम्प्लॉई हायर नहीं करेंगे, नो शेड्यूल, कोई भी शेड्यूलिंग नहीं होगी, नो एक्सक्यूट लगा दिया। कंपनी ने बोला कोई भी नए एम्प्लॉय भी हायर नहीं करेंगे, फालतू वाले को भी निकाल दो। आई बात समझ में? नो एक्सक्यूट और नो शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? तो हाँ जी सर, ये हफीज तो साहब। समझ, हाँ सर ये तो समझ में आ गया था, बट आपने बोला ना कि जो एग्जिस्टिंग है, मतलब अगर हमारे प्रोजेक्ट वाले नोड्स होंगे तो वो भी निकल जाएंगे क्या? प्रोजेक्ट्स वाले नोड मतलब? जो हमारे अभी आपने जैसे ये 2 नोड प्रोडक्शन के लिए दिए थे और 2 नोड आपने टेस्टिंग के लिए दिए थे सपोज, तो जो हमारे दो प्रोडक्शन या नोड, टेस्टिंग, सॉरी पॉड्स, हाँ वो तो वो भी निकल जाएंगे ना सर, नो एग्जीक्यूट, नो भी एग्जीक्यूट के निकल चक्कर जाएंगे। में। मतलब क्या है? फिर से रिपीट करो, क्या बोलना चाहती हो? सर देखिए, अभी सपोज यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाले नोड में एक 15 पॉड्स हमारे प्रोडक्शन वाले हैं, ठीक है, जिसको डेव इज इक्वल टू, नहीं डेव इज इक्वल टू टीम इज इक्वल टू डेव तो समझ नोड पे ही लगा है, बट पॉड्स जो है उसमें 15 हमारे प्रोडक्शन के हैं और 5 जो है वो ऐसे ही आ गए हैं, ऐसे है कौन ना, से आए हैं? ऐसे किस टाइप से? जो कोई प्रोजेक्ट तो जिसको होंगे नहीं? हो जिसको हाँ जिसको लेबल नहीं लगा, हाँ, जिसको वो आ लेबल नहीं गए, लगा वो अभी वो आ आ गए। गए। हाँ हाँ तो अब जब नो एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पूरे के पूरे 20 पॉड्स निकल जाएंगे ना सर, बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। फिर हमारे प्रोडक्शन का क्या, कौन सा प्रोडक्शंस का? आप जो एक, पंद्रह आपने पहली पॉड लाइन चल ये रहे थे। बोली, आपने पहली लाइन ये बोली कि ऐसे प्रॉड्स आ गए हैं जो कोई काम के नहीं है, तो उनका वो प्रोडक्शन से पांच क्या ही है मतलब बस, है? है? वो 5 ही थे ना सर जिनका कोई, जो और ऐसे ही आ बाकी गए बाकी थे, काम के थे? मैडम, बाकी के 15 तो हमारे प्रोडक्शन वाले थे ना जिनको हमने अगर आपके लेबल काम, लगाया अगर था। आपके काम के प्रॉड हैं तो आप ऐसे थोड़ी उसको कहीं भी डाल दोगे। अगर आपके काम के प्रॉड हैं, आपने बोला कि 20 प्रॉड यहाँ चल रहे हैं, 5 प्रॉड तो चलो मानते हैं कि कोई काम के नहीं थे, वो निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 15 काम के थे। तो आपकी स्टार्टिंग से ही प्लानिंग गलत है कि 15 काम के पॉड को आपने इधर उधर क्यों डाल दिया? आप उनके लिए इधर उधर सेपरेट नोड रखते ना, और आपके क्लस्टर में नोड नहीं है तो नोड लगाते, और नोड नहीं है तब भी आप डिप्लॉय करना तो लेबल लगाते। आप ऐसे क्यों डाल रहे हो भाई अपने पॉड को? तो लेबल सर तो लगी, इनका कहने अगर का मतलब लेबल ये है लगी सर, है, हाँ, हाँ इनका कहने का मतलब ये है कि मान आप लो रुक एक जाओ, नोड प्रवीण की, आप रुक जाओ, आप अभी मत बोलो, पहले इनको बोलने दो। हाँ बोलो नफीसा, क्या बोल रही हो? असल लेबल तो लगाया ही है ना हमने, आपने कौन सा? आपने अगर आपने डेविस लेबल, इक्वल टू अगर टीम आपने लेबल इज इक्वल लगाया टू और डेव, टॉलरेंस बताया तब थोड़ी जाएगा। आपने अच्छा लेबल अगर हम लगाया और साथ में पॉड दे, टॉलरेंस भी डिफाइन किया तो नहीं जाएगा। ओके फिर ठीक है, फिर तो ठीक है सर, मैं सोचू कि सब कुछ सही से चल रहा है और सभी पॉड हटा दे रहे हैं नो एग्जीक्यूट में, तो फिर अभी क्लियर है सर। ठीक है, तो आपकी ये पूरी की पूरी प्री प्लानिंग आर्किटेक्चर होती है कि आपके अगर काम के पॉड हैं तो आप उसको ऐसे क्लस्टर में मत डालो, क्योंकि क्लस्टर में ऐसे कोई नोड खाली पीली नहीं बैठा हुआ है, वेल स्ट्रक्चर चल रहा है पूरा का पूरा। पूरा का पूरा क्या है? वेल स्ट्रक्चर चल रहा है। क्लस्टर के अंदर 20 नोड है तो 20 के 20 नोड ऐसे नहीं पड़े हुए, 20 में 3 नोड डेवलपमेंट के लिए होंगे, 3 प्रोडक्शन के लिए होंगे, 3 टेस्टिंग के लिए होंगे, कुछ नोड किसी प्रोजेक्ट के लिए होंगे, ऐसे होंगे। तो आप अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हो तो आप उसको थोड़ी ऐसे कि बिना लेबल के और बिना सेलेक्टर के आप डिप्लॉय कर दोगे। और आप अगर लेबल सेलेक्टर बता भी रहे हो
और नोड में अगर टेंट लगा हुआ है तो वो वहां पे जाने वाला भी नहीं है। आप चाहते हो कि टेंट वाले नोड में जाए, तो आप टोरलेशन डिफाइन करो, और आपने टोरलेशन डिफाइन किया है तो पॉड थोड़ी हटेंगे, वो यहीं रहेंगे। कौन से पॉड हटेंगे? अगर मैंने नो एक्सिक्यूट लगाया तो सारे में से कौन सा पॉड हटेगा जिसमें कोई लेबल सेलेक्टर कुछ भी नहीं है? वो पॉड हटेंगे। तो अगर जी ऐसे पॉड जो आपके चल रहे हैं जिनमें ना लेबल है ना सेलेक्टर है, तो आपको लगता है कि वो आपके काम के हैं? वो तो आपने ऐसी टेस्टिंग फेस्टिंग के लिए आपने बना दिया होगा। हाँ समझ रहे हैं बात को भाई? जी सर जी जब भी प्रोडक्शंस में पॉड बनेगा तो ऐसे थोड़ी बन जाएगा, कहीं भी डाल दो। नहीं, वेल प्लानिंग होगी सर। समझ आ गई बात है आपको? प्रोडक्शन हाँ प्रवीण, अब बोलो में आप क्या बोल सर रहे। प्रवीण बोलो आप क्या बोल रहे थे आप। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर मैं टेंट लगा देता हूँ तो दैट मीन्स कि कोई नोड और यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे। बाई चांस मान लो मेरी 20 पोड इसके अंदर चले हुए हैं, क्या? और एक नोड पे डेव वाले पे 20 पोड चले हुए मेरे, वहाँ पे टेंट लगा हुआ अभी नोड पे, अगर मुझे इसको स्केल अप करना है मान लो 25 करने हैं, तो वो 5 वाले भी नहीं आएंगे आई थिंक। सर स्केल अप करना है 25 के, 2500 स्केल अप कर लो। नहीं, आप टेंट लगा दे तो नए पोर्ट भी तो आने हैं आपने मेरे। टेंट लगाया तो टोलेशन भी तो डिफाइन है। कह रहा है जहां टोलेशन मैच हो जाएगा वहां हो जाएगा। भाई आपने टेंट ठीक यहां लगाया है, जिस डिप्लॉयमेंट में आपने टोलेशन मेंशन किया है वो आएगा बस। ओके और किसी का कोई डाउट है? आप सबको टोलेशन मत दो ना। तो जिसको पास टोलेशन नहीं है उसके लिए क्या है? टेंट लगा हुआ है, वो आएंगे ही सर, नहीं। मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये हमको पॉड हटाने क्यों है। रिपीट करो वरुण, आप रिपीट करो जिसको समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ एक यूज के सर मैं बताऊँ सर। बताओ। हाँ सपोज पहले दो वाला मान लीजिए प्रोडक्शन का है, लास्ट दो वाला क्यूए का है, तो अभी हम लोग का सपोज आ गया कि हम लोग एक यूएटी बीच में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे क्यूए का जो लेवल है उसमें किसी एक में टेंट लगाएंगे विथ नो शेड्यूल, मतलब अभी कोई दूसरा क्यूए का शेड्यूल नहीं होगा, उसमें हम खाली यूएटी डालेंगे। मगर मान लीजिए कि उसमें अगर रिसोर्स ही नहीं है तो हम लोग सोचेंगे कि टेंट मतलब टेंट लगा के विथ नो एग्जीक्यूट मतलब पूरा ही खाली कर देगा, तो तब हम उसमें टॉलरेशन लगाएगा यूएटी वाला, तो खाली यूएटी वाला ही उसमें घुसेगा क्यूए से खाली होकर दो से। नहीं, टॉलरेशन का मतलब रुकने से ही या डिलीट करने से नहीं है। टॉलरेशन टॉलरेशन मतलब का टॉलरेट दे रहा है कि पॉड हो विथ माने टेंट टॉलरेशन का क्या काम मतलब। होता है आपको बताता हूँ। यूएस टेंट का कंपनी मतलब जो है, है, टेंट दो 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 तरह का होता है, नो एग्जीक्यूट नो शेड्यूल, मतलब उसमें पॉड नो एग्जीक्यूट लगा कोई पॉड पूरा खाली कर देगा, नो शेड्यूल मतलब उसमें नया वाला कुछ शेड्यूल नहीं होगा, और उसमें अगर टॉलरेंट लगाया मतलब अभी जो नया पॉड आएगा विथ टॉलरेंट का साथ, तो तब उसी नोड में घुसेगा जिसमें जहां जहां टेंट लगा हुआ है। सही ना सर? सही है। समझ में कृष्णा? सब समझ में आया बट पूरा क्लियर नहीं हुआ। मैं हो सकता है वीडियो फिर से सुनूं तो मुझे क्लियर हो जाए। देखो, आप चाहते हो कि ये जो आपके पास दो नोड है, ठीक है, ये दो नोड में आपने क्या बोला, सिर्फ डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट वाली चीजें यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। आप दोनों पे कल तक आप क्या कर रहे थे, नोड नेम आप डिफाइन कर देते अपने डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर, क्या कर रहे थे आप, नोड नेम और नोड का नाम। मान लो इस नोड का नाम क्या है, वर्कर वन है, और इस नोड का नाम क्या है,
वर्कर टू है, ठीक है? आप नोड नेम में जाके एक की नाम बता पा रहे थे, वर्कर वन या वर्कर टू, तो जो डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो इस नोड में आके हो जाएगा। दो नोड आप नहीं बता सकते थे, दो नोड आप नहीं बता पा रहे थे, तो आपको दिक्कत ये कि कल कोई नोड डाउन होगा तो इस नोड के अंदर चलने वाले पॉड भी टर्मिनेशन स्टेज में आ जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो पॉड यहाँ शिफ्ट हो जाए, नहीं, ऐसा होता कि आप नोड नेम के अंदर दो दो नोड नेम अगर आप बताते तो शायद आपको ऐसा होता, ऐसा अलाउ करता, तो फिर ये नोड अगर डाउन होता तो इसके पॉड यहाँ शिफ्ट हो सकते थे, बट ऐसा है नहीं। तो हमने लेबल ऑप्शंस को चूज किया। लेबल्स में क्या था कि हमने नोड वन नोड टू को लेबल दे दिया, ऐसे और भी नोड को लेबल आप दे सकते हो। फिर उसके बाद जब भी हम डिप्लॉयमेंट बनाते हैं तो हम क्या यूज कर रहे थे, नोड नेम ना यूज करके नोड सेलेक्टर हम यूज कर रहे थे। नोड सेलेक्टर के अंदर हम लोग जाके बताते थे कि जिसका लेबल टीम इक्वल टू डेव हो वहां वहां जाके डिप्लॉय करना है। तो मान लो हमने 20 पॉड बना रहे हैं, तो 20 पॉड अब जाएगा, वो देखेगा कि कौन कौन से नोड में टीम इक्वल टू डेव है, वो देखता है, उसको दो नोड क्लस्टर में मिल जाते हैं जिसमें लेबल क्या है, टीम इक्वल टू डेव है, तो अपने अकॉर्डिंग 10 नोड इधर डाल देगा, 10 नोड इधर डाल देगा, ठीक है? ये था लेबल का काम। इससे क्या हुआ कि कल को ये नोड अगर क्रैश होता है या फिर ये नोड क्रैश होता है, तो ये नोड अगर क्रैश होता है तो इसमें चलने वाले पॉड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये नोड क्रैश होता है तो इसमें चलने वाले पॉड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि दोनों नोड डाउन होते हैं तो तब पॉड आपका कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि क्लस्टर के अंदर फिर ऐसे नोड उसे मिलेंगे नहीं जिसमें लेबल ये लगा हो। तो फिर आप तीन तीन नोड रखें, चार चार नोड रखें, चारों में सेम लेबल लगा के रखें, ठीक है? तो ये आप प्लानिंग मान लो आपने कर लिया, मान लो आपने बोला कि यार दो नोड सही है, एक ही डाउन होता है, तो आपके चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, आपके डेवलपमेंट के पॉड यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। मान लो 1000 पॉड यहाँ चल रहे हैं डेवलपमेंट के, 1000 यहाँ चल रहे हैं, 2000 पॉड आपके चल रहे हैं, ठीक है? कल को ऐसा होता है कि क्लस्टर के अंदर कुछ ऐसे डिप्लॉयमेंट भी हो रहे हैं जिसमें कि आप ना तो नोड सेलेक्टर बता रहे हो, ना तो कुछ नहीं बता रहे, चुपचाप पॉड आप बना देते हो। तो आपने चुपचाप पॉड बनाया तो अब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पूरा क्लस्टर आपका इस तरीके से सेटअप है कि बिना हर क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर हर नोड में लेबल लगा हुआ है, हर नोड में लेबल लगा हुआ है, और क्लस्टर के अंदर ऐसा कोई नोड है भी नहीं जो खाली बैठा हो, हर नोड को आपने डेडिकेट कर रखा है। बोला दो नोड डेवलपमेंट के लिए, दो नोड प्रोडक्शन के लिए है, इसका मतलब क्या कि आपने वेल प्लानिंग किया है कि आपके पास दो नोड डेवलपमेंट के हैं, दो प्रोडक्शन के हैं, फालतू नोड है ही नहीं कि कोई और पॉड बना सके, ठीक है? या तो फिर आप अपने क्लस्टर के अंदर क्या करें, एक ऐसा नोड रख दें जिसके अंदर फालतू के पॉड, आप जो डेली बेसिस पे कभी कोई टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए पॉड बना रहा तो वो उधर आ जाए, बट ऐसा है नहीं आपके पास। फिर भी अगर आप कोई डिप्लॉयमेंट करते हो जिसमें ना तो लेबल बता रहे ना सेलेक्टर बता रहे, वो कहाँ जाएंगे? वो इन्हीं में आएंगे, वो इन्हीं के अंदर आएंगे, इन्हीं के अंदर आएंगे, इन्हीं के अंदर आएंगे, इन्हीं के अंदर आएंगे। तो मान लो आपने फालतू के 50 पॉड बना दिए अपने आधे घंटे काम करने के लिए, होता है ना कंपनी के अंदर, यार मेरे को 10 मिनट के लिए एक मशीन दे दे यार, मुझे 20 मिनट के लिए एक मशीन दे दे यार, मुझे आधे घंटे के लिए एक मशीन दे दे, मुझे 3 घंटे के लिए मशीन दे दे। तो 3 घंटे आधे घंटे के लिए मशीन आदमी क्यों ले रहा है कंपनी में, कुछ टेस्टिंग करना चाहता है वो। तो ऐसे पॉड अगर आप बनाते हो प्रोडक्शन एनवायरमेंट क्लस्टर के अंदर, वो कहाँ जाएंगे? वो इन्हीं के अंदर आएंगे, इन्हीं के अंदर आएंगे, इन्हीं के अंदर। जब इन्हीं के अंदर आएंगे तो डिस्टर्ब कौन होगा, डिस्टर्ब डेवलपमेंट वाले होंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे लिए डेडिकेट है ना यार, ये तो हमारे लिए डेडिकेट है। अभी फालतू के पॉड क्यों आ रहे हैं भाई यहाँ पे, ये फालतू के पॉड क्यों आ रहे हैं? आप किसको कंप्लेन करेंगे, कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर को? कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर बोलेगा यार आधे घंटे रुक जा रहे हैं, आधे घंटे के लिए बस आ रहे हैं, चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, बट नहीं मैं नहीं मैनेज कर सकता, मैं आधे घंटे भी क्यों मैनेज करूं, मैं मेरा भाई ये डेडिकेट क्लस्टर है, डेडिकेट नोड है, मैं इसके अंदर सिर्फ अपने डेवलपमेंट के, बट ये क्यों आ रहे हैं? अब मैंने कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर को कंप्लेन किया, वो मानते ही नहीं है, 15 दिन के बाद फिर ऐसे कोई पॉड बनवा देता है, वो फिर आ जाते हैं, मैं डिस्टर्ब हो गया, मैंने क्या किया अपने नोड में जाके टेंट लगा लिया। क्या किया मैंने, मैं अपने नोड में गया टेंट लगा लिया, जब मैं अपने नोड में गया तो टेंट लग गया, जब टेंट लग गया तो अब एडमिनिस्ट्रेटर कुबरनेटिस का कोई फालतू के पॉड बनाता है वो आने वाला ही नहीं है यहाँ पे, नहीं ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, कहीं नहीं आने वाला। अब जब टेंट लग जाता है तो मैं जब डिप्लॉयमेंट कर रहा हूं तो मेरे पॉड भी नहीं आएंगे क्योंकि टेंट लग गया है। तो मैंने क्या किया,
कि मैं अपने पॉड डिप्लॉयमेंट करते टाइम मैं टॉरलेशन डिफाइन कर लेता हूं, तो टेंट और टॉरलेशन मैच कर जाता तो मेरे आ जाते हैं, मैं उसको टॉरलेशन दूंगा ही नहीं एडमिनिस्ट्रेटर को, उसको पता नहीं है टॉरलेशन की वैल्यू क्या है, उसके आने वाले ही नहीं है, बात खत्म हो गई। अब जब टेंट लगाते तो दो टाइप के होते हैं, नो शेड्यूल, नो शेड्यूल लगाया तो जो पहले से चल रहे थे वो रहेंगे बट कोई नया नहीं आ पाएगा, नो एक्सक्यूट लगाया तो पहले से जो चल रहे थे फालतू वाले पढ़ो भी हट जाएंगे, बात खत्म हो गई, समझ आई? ओके सर, समझ में आ गया। इसमें मतलब हटना है क्या, मतलब वो उनको डिलीट कर देगा या फिर कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा? क्या ये आपने बोला ना कि जो फालतू नो एग्जीक्यूट में हट जाएंगे, हटना मतलब क्या डिलीट कर देगा उनको या फिर डिपेंड कहीं और? करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने जो पॉड बनाया उसके अंदर कोई कंट्रोलर कंट्रोलर है या नहीं है, उस पर कोई लेबल सिलेक्टर है या नहीं है। अगर ऐसे ही सिर्फ पॉड बनाया तो हटेंगे ही ना, उसके अंदर कोई कंट्रोलर नहीं है अच्छा तो हटेंगे ही हटेंगे। अगर उसके कोई कंट्रोलर है तो कहीं और शिफ्ट होगा क्लस्टर के अंदर, और क्लस्टर के अंदर शिफ्ट कहाँ होगा, अब वो देखेगा यहाँ से हटेगा दूसरे नोड पे जाएगा, दूसरे नोड में भी टेंट लगा हुआ है, पूरा नोड ही में टेंट लगा हुआ तो कहीं क्या वो हटेगा ही आपका। लेकिन अगर आपने क्लस्टर के अंदर दो नोड ऐसे रखे हुए हैं कि कोई अगर कहीं से हटे तो यहाँ आ जाए करें, जहाँ पे कोई टेंट नहीं है कोई वो नहीं है तो वहां चले जाएंगे, समझ आई? ओके अब तो डाउट नहीं है सर किसी को भी इस कॉन्सेप्ट पे, या अभी भी डाउट है तो मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं समझाने के लिए, कंफर्म करो। क्लियर अभी कोई है डाउट? सर, सबको क्लियर क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। नफीसा क्लियर है? ये सब क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे कमांड मारा क्यू टीटीएल डिस्क्राइब करो नोड को कि टेंट लगा है क्या कहीं पे, तो ठीक है तो कहीं भी टेंट अभी नहीं लगा, ये पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, मतलब ऐसे समझ लो कि जो आपने लास्ट क्लास में लेबल और सेलेक्टर पढ़ा ना, वो और टेंट साथ में मिलकर यूज होते हैं वैसे, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यू सी टी एल लेबल नोड, ठीक है मैं डिफाइन कर रहा हूँ पहले क्यू सी टी एल गेट नोड, क्यू सी टी एल लेबल नोड, मैं इसको लेबल डिफाइन कर रहा हूँ, टीम इज इक्वल टू डेव, ठीक है डिफाइन कर दिया, इसको भी डिफाइन कर देता हूं क्या,
टीम इक्वल टू डेप। अब मैं क्या किया, अपने इसके अंदर गया, यहां पर मैंने क्या बोला कि कितने नोड बना दो, तीन पॉड बना दो, कौन से नोड में जाना चाहिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे, नोड सेलेक्टर, और यहाँ पे क्या डिफाइन किया, टीम टू डेव। ठीक है, तो दो नोड में लगा हुआ है ये, यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, 10 करते। ठीक है, मैंने क्या कमांड मारा, क्यू टी टी एल क्रिएट हाइफन एफ आर सी डॉट, या क्रिएट आई पहले से चल रहा है। क्यूब सी टी एल गेट पॉड माइनस ओ वाई। देखो मेरे पॉड कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जो अभी मैंने बनाया, देखो क्या हुआ सर। देखो पॉड को इधर डाला, इधर डाला, इधर डाला, मतलब क्या किया इसने, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार पॉड उसने नोड टू में बनाए और छह पॉड उसने नोड वन में बनाए, एक दो तीन चार पांच और ऊपर एक छह, देख रहा है। मैं अगर यहां आऊं तो मेरे नोड वन का होस्ट नेम क्या था, देखो नोड वन का होस्ट नेम क्या है, लास्ट में देखो IPA80। तो इसने क्या किया, देखो ये रहा, और नोड टू का होस्ट नेम क्या है, देखो तो चार नोड कहाँ बनाए, पॉड कहाँ बनाए उसने नोड टू में, और छह पॉड कहाँ बनाए नोड वन में। ठीक है, अब मान लो किसी भी रीजन से मेरा नोड क्या होता है, एक आध नोड अगर मेरे डाउन हो जाते हैं, स्टॉप कर देता हूं तो शिफ्ट हो जाएंगे, और वापिस से बात है शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि लेबल तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें, यह स्टॉप करके दिखाऊं। हाँ जी,
कंफर्म करो नो सर, है, ठीक है ना? हाँ सर क्लियर है। क्लियर देखो है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोल नहीं रहे। हेलो।